अरविंद जी नमस्ते जी, सादर प्रणाम आपका। नमस्कार भैया, आप क्या काम करते हैं और कहाँ आपका ठेला लगता है? सर मैं दुर्गा कुंड में सीएमओ, जो वेंडिंग जोन है दुर्गा कुंड में, वेंडिंग जोन में मेरी ठेले लगते हैं। हाँ। मोमोज और कॉफी के। अच्छा, ये मोमोज कैसे बनाते हैं? सुबह सर मैं जाता हूँ मंडी और मंडी से सब्जियाँ लाता हूँ। सब्जी के पत्ता गोभी वाली मेरे सबसे ज़्यादा चलती हैं, तो सुबह उठ करके 5 बजे मैं जाता हूँ, वहाँ से लेकर के आते हैं घर पर, उसको काटते पीटते हैं और फिर तैयार करते हैं 12 बजे 1 बजे तक। तैयार करने के बाद हम अपना यहाँ पर ला के बेचते हैं अपने यहाँ पर ठेले पर लगा कर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको कितने भाग दौड़ करनी पड़ी, कितने अफसरों के पैर पकड़ने पड़े, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या दिक्कत आई? मुझे तो पहले योजना, हेलो, सभी लोगों ने जब पहले तो मुझे योजना का लाभ जो है, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। मुझे मेरे संगठन जो है पट्टी व्यवसाय समिति और नगर निगम डूडा द्वारा लोग सर्वे किए, सभी लोगों को फार्म भरवाए नगर निगम, और उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद मुझे बुलाया बैंक में, और मात्र बैंक में बुलाया गया, मेरा खाता यूनियन बैंक सोनापुरा शाखा में है, मुझे बुला करके बोला गया, सर आपका लोन आया हुआ है 10,000 रुपए का, आप एक आधार कार्ड और जो नगर निगम का आपका सर्टिफिकेट है और बैंक का पासबुक दे दीजिए, मैं आपका 15 मिनट में लोन सेशन कर दूंगा। तो मैं भाग के घर गया और लेकर के आया, उन्होंने तुरंत अपना भर दिया और दूसरे दिन मेरे खाते में 10,000 रुपए आ गए। लेकिन आपको भरोसा नहीं हुआ होगा पहले तो? जी नहीं, मुझे तो लगा कि मुझे पहले से लोग बेवकूफ बना रहे हैं कि 10,000 का लोन मिल रहा है आपको। अच्छा, ये मोमोज तो आजकल कहते हैं बनारस में बहुत खूब पसंद करते हैं। जी हाँ बहुत पसंद। लेकिन मैं बनारस आता हूँ, मुझे तो कोई खिलाता नहीं है। सर आपको मैं आमंत्रित कि मैं मोमोज और कॉफी और पिलाना। लेकिन हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान करते हैं जी, जब तक वो सारा चेक नहीं करते मुझे खाने नहीं देते। मैं तो एक भी खा लूंगा जैसे सबरी ने खिलाया था श्रीराम। अरविंद जी, क्या आपको पता है कि इस योजना में आप अपना ब्याज फ्री भी कर सकते हैं, ये मालूम है? जी सर। और सरकार आपको अलग से 1 साल के लिए 20,000 रुपये तक की और सहायता भी दे सकती है, पता है? हाँ। पहले तो हम अपना लोन जो है समय पे कर देते हैं। हाँ। तो समय पे उसको चुका देते हैं तो हमें 20,000 रुपया अगला जो लोन मिलेगा, मुझे रोजगार करने में और भी मदद मिलेगी। और उसके बाद जो है कि अब तो हम लोग स्विगी से भी जुड़ गए हैं, जिससे ऑर्डर आ रहे हैं, तो ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें भी 1 हफ्ते लग जाते हैं पैसे आने में। तो अगर मेरा 20,000 रुपया आते हैं मेरे पास, तो वो ऑर्डर को कवर करने में और लोगों तक अपना देने में मुझे काफी मदद मिलेगी उस 20,000 रुपया से। तो कोरोना के कारण वहाँ लोग भीड़ इकट्ठी होती होगी? जी नहीं, इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग के मैंने एक लगा रखा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग पे आएंगे, मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल पेमेंट करेंगे, उनको मैं अपनी तरफ से 1 मोमो फ्री में दूंगा। अरे वाह, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है जी, कि आपने एक समाज सेवा के लिए अपना मोमोज से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, ये बहुत नई खबर है जी, बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इस विचार को। लेकिन लोग जो घरों में खाते होंगे वो क्या करते होंगे? जी सर, जो अपने आप बाहर यहाँ आना नहीं चाहते होंगे लेकिन घर में ही बैठ के खाना चाहते हैं, वो क्या पैकेट करके ले जाते हैं, क्या करते हैं आप? जी हाँ, कुछ लोग तो पैकिंग करके हमारे यहाँ से भी ले जाते हैं, उसके बाद हमारी का जो है दुकान जो है स्विगी से जुड़ गई है। हाँ। ऑनलाइन वो लोग देखते हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पाते, जो लोग नहीं भी जानते थे, वो स्विगी द्वारा ही मंगा लेते हैं और उनके डिलीवरी बॉय हमारे आते हैं, मैं डिजिटल तरीके से उनको चेक कर लेता हूँ, ऑर्डर आते हैं, मात्र वो खड़े होते हैं, हम लोग उनको तुरंत पैक करके दे देते हैं। अच्छा, होम डिलीवरी भी करते होंगे तो?
नहीं, हम होम डिलीवरी नहीं करते हैं, स्विगी वाले से ही करवाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है और अकेला आदमी कहाँ कहाँ दौड़ेगा। अच्छा, उनके लोग कर लेते हैं, घरों पे पहुंचा देते हैं। देखिए, ऑनलाइन डिलीवरी करके तो आप खुद को एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है और आपने इस प्रकार की सेवाएं कहाँ मिलती है उसको भी अपने साथ जोड़ दिया है, तो बड़ा प्रोफेशनल वे में आपने इसको डेवलप किया है। अरविंद जी, और कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है, सरकार की तरफ से कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है? पहला लाभ तो मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना हम लोग का। हाँ। दूसरा जो है, मेरे परिवार में बीपीएल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, सॉरी अंत्योदय कार्ड है, जो कोरोना काल में मुझे 20 किलो राशन, 1 किलो चावल फ्री अभी तक मिल रहे हैं। तीसरा जो है, 12 रुपए का हमने एक्सीडेंट जो बीमा कराया, फिर 330 रुपए का कराया। एक सबसे अच्छी जो बीमा हम लोग के लिए की गई है, श्रम योगी योजना जो है, 150 रुपए कटेगा, जो हम लोग अगर एज 60 साल हो जाती है उसमें 3000 रुपए हम लोग को मंथली मिलेगा, जो कि उस समय हम लोग के लिए जीवन दान रहेगा। चलिए अरविंद जी, ये जानकर बहुत खुशी है कि सरकार की सब योजनाएं आप तक पहुंच रही है। बनारस के सब लोगों को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। बनारस ने जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही अहम है। ये सावधानी आगे और भी ज्यादा रखनी है। आपका काम खूब आगे बढ़े, मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी जी, नमस्ते।